जय श्री श्याम, सभी को स्वागत है आप सबका शालू ब्लॉग्स में। और आज मैं इतने दिनों बाद से बात सच तज के खाला दी मेरा दादी नु कहते तेरा फोटो है वीडियो दादी कहां थी मैं आज मैं इतने दिनों आप होइए दादी नु गई यार घुण बैठी नून बराबर में आप तो आप बड़े पापा के घर आए हुए आज हमें शादी में जाना है रुती दीदी के यहाँ और वो भी आ रहे हैं बस बारात लेके पहुंच ही रहे हैं और फिर हम यहाँ से जाएंगे गार्डन में। हाँ के ऐसे बोल रहे थे और रिंकू दी भी आए और बच्चे भी आए हम सारे आए। टीवी चल रहा है इसलिए कम आवाज़ सुनाई दे रही होगी। और आज मैं इतने दिनों बाद बिल्कुल सज तज के रूम में जैसे बैठी हूँ 16 दिन बाद मैं ऐसे दिख रही हूँ बिल्कुल आए हैं ना यहाँ पे तो बिल्कुल शॉल ओढ़ के स्वेटर पहन कर स्वेटर मैंने ऐसी पहन ली कि मेरी चूड़ियाँ ना अटक गई इसमें बस वो पहन नहीं रहूँगी। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है बस खाना खा के वापस तो जाना है तो चलो बाकी सबसे मिलाते हैं किसने क्या पहनो है फिर शादी में जाएंगे। और आज मैं 16 दिन के बाद ऐसे तैयार हुई जब मैंने कुछ नए कपड़े पहने और ऐसे जब चिकन पॉक्स हो गया था ना तो उसमें करते नहीं है ऐसा कुछ। आज इतने दिनों बाद मन करा और फेस थोड़ा साफ लग रहा है। वैसे मैंने मेकअप नहीं कर रखा बस लिपस्टिक और बिंदी लगा रखी क्योंकि मेरे फेस को कुछ सूट नहीं करता। एलर्जी हो गई थी जब चिकन पॉक्स हो गया था तो फिर कुछ लगाने की मनाही है। बाकी ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा फेस अंदर चल के देखते हैं। ये देख लो सासू बहू की मीटिंग चल रही है। दादी देख के मम्मी इधर देखो हेलो करो उन लोगों में। अरे मैं तो कुछ भी दौड़ रही सही दो टोपा पहन रही हेलो गाइस ये हमारी बड़ी मम्मी है। दादी ने ऐसे बोली ये बड़ी मम्मी है ये रिंकू दे आ रही है मैं हूं। अच्छा अब देखो आपने क्या पहना हुआ है। मम्मी का भी आउटफिट दिख गया खाने के लिए हो रही है खाने के लिए थोड़ी देर घर पे रुक के अब हम शादी में निकले खचाखच भरे हो थोड़ी देर के लिए जिंदगी से जद्दोजहद करते और सांस लेते हुए गहरी गहरी सांस लेते हुए क्या करेगी
कैसे बैठे हैं सब तो भाई अब दुल्हन जा रही है स्टेज पे वो हिमालय में नीचे भी वैसे हम किसी को नहीं जानते हैं बस पिछले हमारे रिलेटिव हैं उनके रिलेटिव की शादी में क्योंकि हमारे घर के पास फैसले आ गई दीदी के मामी मामी लगते हैं मैं मामी बन चुकी हूँ इतनी बड़ी मामी मतलब जिसकी शादी है इतनी बड़ी हो गई तो भी ठंड इतनी ज्यादा पड़ गई ना अब अंदर जा रहे हैं वैसे प्लान तो था वरमाला भी नहीं हुई अब तक साढ़े दस ये देखो रात ही होगा तो अब हम घर जा रहे हैं जोटी दीदी की खोपड़ी बन गई ठीक है बाय बाय कर रही है ना शादी एंजॉय ठीक है अभी जा रहे हैं घर पे बाय दीदी बाय कल भी लेंगे आप मस्त कॉफी पियो बैठ के इन्हें देख लो इतनी इसकी खोपड़ी बन रही है तो भैया अब हम घर आ गए और घर आते ही कपड़े चेंज कर लिए इतनी बहुत बुरी ठंड हो रही है अब सोएंगे टाइम हो रहा है बिल्कुल 12 बज रहे हैं और अब तक जब हम आए थे ना अभी आधा घंटा हुआ होगा आए मतलब 11:30 बजे घर आए होंगे या उससे थोड़ी पहले और वरमाला अभी नहीं हुई थी अभी तक बहुत लेट कम से और गार्डन में था जैसे अब देखा होगा धुंध इतनी भयानक धुंध हो रही थी ना जैसे मतलब पानी बरस रहा ऊपर से इतना बुरा हाल था मेरा याद दुख रहा है इसलिए मैं इसलिए बार बार उठा रही हूँ तो अब हम घर आ गए और अब पापा के लिए रोटी बनाई है पापा ये थे पापा ने लेट खाई रोटी जब हम गए तो मना कर दिया तो फिर पा के सब्जी बनाई रोटी बनाई पहले पापा का शादी में जाने का प्लान था फिर वो नहीं गए लेट जाएंगे तो इसलिए पहले खाना यहीं खा लिया तो ठीक है अब हम सोएंगे तो दादी की मंशा की चाय पीने की दादी के लिए चाय बना रही हूँ अच्छी सी बढ़िया सी है ना क्योंकि मुझे बढ़िया सी चाय बनानी नहीं आती मुझे बहुत बढ़िया चाय बनानी आती इतनी बढ़िया कि कोई पिए तो पीता वो निकल गई नानी का बने मैं दूंगी ठीक है टैलेंटेड गर्ल गर्ल करली हूँ मैं अभी मैं 17 साल दो बालका की माँ बन गई मैं लागू घड़ी कवार दो बालका की माँ बन गई मैं लागू घड़ी गेरूंगी मैं पहला आता हूँ बाद में यार मैं नया स्टाइल करूंगी ये कोई मतलब नहीं होता बाद में उसको काट दिया एक तो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती अच्छा हमको नहीं पता था है और फिर वीडियो बनाती हूँ जब एक्टिंग कर देती है थर्ड आर्ट उधर आ गई मैं क्या फिर मैं कुछ भी कर देती हूँ ना मैं क्या और फिर बाद में ऐसे कहते थे काट देना गेर के दे दूंगी अब मैं डाल लूंगी तो मुझे शर्म आ जाती है मैं दुनिया को दिखाऊंगी क्या क्या करूंगी ये तो कुछ भी नहीं गाइस बहुत सारी चीजें तो मैं काट देती हूँ मुझे शर्म तो बढ़िया बढ़िया सी चाय बन चुकी है बढ़िया सी चाय पियेंगे ठीक है